वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धियतमहं प्रपद्ये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता सार अध्ययन सत्र में, है ना। अभी हम कलयुग के जीव हैं, तो बहुत बड़ी विशेषता है इस कलयुग की, अत्यंत अत्यंत बड़ी विशेषता है इस कलयुग की। हम कलयुग के जीव हैं और वास्तव में अब ये किसी तरह से हम भगवान के भक्तों के संग में हैं, हम सभी महाप्रभु के भक्तों के संग में हैं। अब जब भी हम कहें ना वास्तव में भगवान, हमारा स्मरण वास्तव में गौरन्ताय का होना चाहिए, हमारा स्मरण उन्हीं का होना चाहिए। हमारा सब कुछ ना गौरनिताय राधा कृष्ण। महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ना ही अन्य, ना श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। हमारे लिए तो भगवान कर्ता धर्ता सब कुछ महाप्रभु ही है। इसी भाव को पकड़ना, इसी भाव को समझना। अब चाहे रामनवमी आए, नरसिंह चतुर्दशी आए, ऑफ कोर्स रामादि मूर्ति शुकलानी मिनतिष्ठा नाना अवतारद अकरोत भुवनेषु किंतु, है ना। ये तो कृष्णा, है ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का मुद्गार ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं मैं रामादि मूर्ति शुकलानी मिनतिष्ठा, है ना। तो सारे भगवान ही है, भगवान श्री राम, नरसिंह भगवान, और आपके वरा वामन, ठीक है। लेकिन हमारे लिए वास्तव में स्मरण किसका होना चाहिए? कृष्ण का ही। तो ब्रह्म संहिता भी गजब का ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ अद्वितीय वास्तव में, जो भगवान की समझ, भगवान की एक परिभाषा बताने के लिए, समझाने के लिए, मतलब अफलातून उसमें ब्रह्मा जी के उद्गार है। भगवान कौन है, भगवान के बारे में तो कितना सुंदर वो कहते हैं ना, रामादि मूर्ति शुकला नियमे न तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो राम आदि तो सब नाना अवतार हैं भगवान के, लेकिन कृष्णा स्वयं समभवत् परम पुमान्यो। कृष्णा इज स्पेशल राम, कृष्णा इज स्पेशल नारायण, कृष्णा इज स्पेशल विष्णु, एवरीथिंग। एंड स्पेशल कृष्णा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन हुए? वो है स्पेशल कृष्ण। तो जब भी हम भगवान कहें, हमारा स्मरण चिंतन डायरेक्टली हमारा किसका हमें बोध होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का बोध होना चाहिए, डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु का बोध होना चाहिए। तो ऐसा हमें हमारी ये हमारे स्मरण में, चिंतन में, हमारे अध्ययन में आए। जैसे कितना सुंदर चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं, मध्य लीला में रामानंद राय जी का संवाद महाप्रभु के साथ, तो क्या सुंदर। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, कि स्थावर ना और जंगम, स्थावर जंगम जो स्थाई है, स्थावर जंगम चलने वाले और जो नहीं चलने वाले, है ना।
मतलब चलायमान अचलायमान कुछ भी देखो, उसकी मूर्ति या जो भी हम देखें ना, मतलब एक्सटर्नल ना देखते हुए हम कहीं पे भी देखें, हमारा क्या होना चाहिए, इष्ट देव स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब मेमोरी, उनका ध्यान स्मरण चिंतन है ना। और हमारे इष्ट देव कौन है? गौरनिता है, नीता है, गौर सुंदर। तो हम कुछ भी देखें, किन्हीं से भी मिले, कहीं भी आए जाएं, हमारा स्मरण चिंतन तो हमेशा महाप्रभु का ही होना चाहिए। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो इस भाव को पाना है हमें, इस भाव को पाना है। तो भागवत गीता देखिए, भागवत गीता से हम सब परिचित हैं, और कुछ भाग्यशाली जीव है जिन्होंने भागवत गीता का अध्ययन किया है कवर टू कवर। अब भारतवर्ष में देखिए 125 करोड़ की जनसंख्या है ना भारत में, भागवत गीता नाम प्राय सभी को पता होगा, 100 करोड़ से अधिक को पता ही होगा। अब जो शिशु है, नवजात शिशु, उनका ठीक है, लेकिन सभी को पता होगा। और किसी भी समुदाय से हो या किसी भी जैसे धर्म से हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी को भागवत गीता पता है ना। अब पता होना अच्छी बात है, पढ़ना उससे और अच्छी बात है। भागवत गीता का अध्ययन करें, पढ़ना, पढ़ाई में भी अध्ययन होना अच्छी बात है। एक तो पढ़ लिया, रीड कर लिया, दूसरा स्टडी, वो और बहुत अच्छी बात है कि नहीं। अब पढ़ लिख के क्या है ना, आती है ना, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ पढ़ लिख थोथा भया पंडित भयो ना कोई, क्या ना, और पढ़ते हुए क्या 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो भागवत गीता हम पूरा पढ़ ले लेकिन सार समझ में नहीं आए तो बड़ी विडंबना। और कलयुग के हम ऐसे जीव हैं, इसको महाप्रभु का युग बनाना है हमें, और हमें सार सार चाहिए भाई, जितना जल्दी हम सार पकड़े अच्छी बात है। और ये हम थोड़े कलयुग के लोग हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई पॉइंट क्या, पॉइंट पे आओ, कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या है। तो सार अगर हम समझे भागवत गीता का, अति आवश्यक है, अति आवश्यक। तो गीता का सार देखें हम, और सार वास्तव में, अब हम महाप्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं ना, शिला रूपा गोस्वामी के, शिला गुरुदेव के, उन पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। तो महाप्रभु के अनुयायी इन्होंने हमें क्या दिए हैं, रसिक ग्रंथ दिए। ऐसी राधा कृष्णा की महिमा, उनकी सुंदरता, उनकी प्रेममयी भक्ति में हमें आरूढ़ किया या कर रहे हैं वो, ऐसा और अन्यत्र और कहीं हम नहीं देखते ना, किसी और युग में भी नहीं देख पाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, इस हिसाब से ऐसा एक्सपोजर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो महाप्रभु के अनुयायियों ने हमें रसिक ग्रंथ दिए, एक से क्या प्रेम भक्ति चंद्रिका, राधा रस सुधा नदी इत्यादि, अनेक अथाह सागर है पूरा। तो भागवत गीता का भी मर्म समझे, सार समझे, और अब इस ब्रज भाव, ब्रज प्रीति को हम पाना चाहते हैं ना, रागानुगा भक्ति में हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो रागानुगा भक्ति मतलब राग में भक्ति, आसक्ति में ही भक्ति है ना, चित्त जहाँ पे पूरा का पूरा लगे। तो वो रस ना? सार, सार का एक दृष्टिकोण से उल्टा देखें तो क्या होता है ना? सार, और सार का उल्टा क्या बनता है एक दृष्टिकोण से देखें तो, रस हाँ, रास भाई, रास आ रहा है, बहुत रास आया, या सार का रस कह सकते हैं ना। तो भाई सार कहाँ पे है, प्रेमेरे सार भाव, महाभाव, प्रेमेरे परम सार महाभाव जानी ना? सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। तो ये सार, और हमारे लिए सार क्या ना, जैसे भाव, एसेंस, सेंट्रल पॉइंट, और हमारे लिए सार जो भी, उसमें रस अति आवश्यक है। हम तो रस के भिखारी बनना चाहते हैं, और ये भागवतम का भी कथन है, सिद्धांत है, भागवतम का भी यही सिद्धांत है। और एक्चुअली ये
रस्सी हमें आगे तक लेके जाएगा, अन्यथा नहीं हम चल सकेंगे आगे। और ये रस और क्या बोलते हैं, सिद्धांत, सार, सिद्धांत, ये अति आवश्यक है, वरना हो नहीं पाएगा हमारा बराबर। तो ये, और भागवतम में भी ऐसा ही कथन है ना, तो क्या बोलते हैं ना, अब ठीक है हम सार समझने में प्रवेश भी करेंगे, श्रीमद् भागवतम का कथन देखे क्या सुंदर बोलते ना, पीबंती ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुतेषु संभृताम पूनन्ति ते विषया विदुषिता स्वयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकाम। पीबंती ये भागवत आत्मना सताम, है ना, जो सताम, सताम मतलब भक्तगण, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, शुद्ध भक्तगण, साधु, साधुगण, वो क्या हमें समझाते हैं, बताते हैं कि भागवत गीता या भागवतम ये तो पीने योग्य है, रस है, सारदार है ना, रसदार है, तो इसको तो भाई पियो पूरा भर भर के, है ना। इस हिसाब से स्वादु स्वादु पदे पदे, तो ये सार में जब तक हम रस में नहीं डूबेंगे ना, वास्तव में भक्ति में हम अपने आप को फिर क्वेश्चन करते रहेंगे, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बहुत चीजें सताएगी, बहुत चीजें। लेकिन एक बार अगर हम राधा कृष्ण के प्रेम में भक्ति, उस सार में अपने आप को प्रवेश पाता हुआ देख सकें, तो फिर संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें उस प्रेम में, सेवा में जुड़ने से रोक सके। तो सार की जो इमारत है, बिल्डिंग ना, जो सार की हमारी इमारत है, वो तत्व की भित्ति पे बनी हो, उसकी जो फाउंडेशन है वो सिद्धांत तत्व पे होना अति आवश्यक है, उस सार की हमारी इमारत तत्व की भित्ति पे। तो इन दोनों को हमें एकदम सुरक्षित रखते हुए, तत्व को एकदम समझते हुए, गुरु वैष्णवों की, हरि गुरु वैष्णवों की कृपा के आकांक्षी बनते हुए, उन्हीं की कृपा से तत्व भी उजागर होगा, सार भी हृदय में प्रकाशित आएगा, बस हम अपने आप को वो पात्र बना सकें, वो निमित्त बना सकें। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, तो हम अपने आप को उस हिसाब से बस तैयार कर सकें, वैसा हमारा हृदय हम बना सकें कि उसमें स्थान बस हो, तो तत्व सार सब कुछ उसमें प्रवेश पाएंगे, उजागर होगा उनका। भागवत गीता का अध्ययन कोई ऐसा अध्ययन नहीं है कि भाई खत्म हो गया, खत्म कर दी हमने भागवत गीता 18 अध्याय, ये कृष्णा भावनामृत खत्म करने वाली चीज नहीं, होने वाली चीज नहीं, ना इसका तो शुरुआत करना है बस, ये एक बार शुरू हो जाए फिर तो आता है सागर अनंत है, कहाँ खत्म करेंगे, कौन खत्म करना भी चाहेगा। तो भागवत गीता का सार भी हमारे लिए रसमय सार होना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं अब साधक समाज में, भक्तों के बीच में, और थोड़ा अचंभा भी लगता है, बड़ा आश्चर्य अचंभा लगता है, क्या अगर भक्तों में हम परस्पर हम ये समझना चाहें कि गीता का सार क्या है, क्या कहोगे आप, भागवत गीता का सार क्या है? देखिए गीता का सार अचंभा ऐसा क्यों लगता है, कई बार भक्त समाज में गीता का सार ऐसा समझा जाता है क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, है ना, कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सारे धर्मों का, अवैध धर्मों का परित्याग करो, उनको छोड़ो, और केवल मात्र मेरी शरणागति लो, मेरे शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं कौन, अहम कौन, कौन बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, युद्ध के और पहले के जो भी पाप है सब उससे मुक्त करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, घबराओ मत, मैं तुम्हें जो कुछ भी बंधन है ना रोक रहा है उससे मैं तुम्हें निवृत्त करूंगा। देखिए हमारे आचार्यगण समझाते हैं, पूरी भागवत गीता में कई
कई क्या बोलते हैं उसको, उपदेश, कई उपदेश दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हाँ, और उपदेशों के भी अलग अलग स्तर हैं। एक सामान्य उपदेश, जनरल इंस्ट्रक्शन, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, तुम ये शरीर नहीं हो आत्मा हो, हाँ? ऐसे करके कुछ कुछ उपदेश दिए जो सामान्य उपदेश है, हाँ? फिर उसके ऊपर जाके कुछ उपदेश, सामान्य मतलब सभी के लिए हिसाब से, और जनरल एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, तुम शरीर नहीं हो आत्मा। फिर कुछ, फिर यही मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया कि भाई शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ये जो शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्य स्थान तिशिक्षस्व भारता, कि संसार में सब कुछ आगंतुक का आते जाते रहता है, जैसे कि धूप छाँव, सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, जन्म मृत्यु, हाँ, तो इसमें तुम अपने आप को इतना विचलित ना करो, हाँ, धीरज बनाए रखो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, करते चलो। तो कुछ सामान्य ऐसे उपदेश हैं। फिर कुछ उपदेश क्या है, गुह्य उपदेश। गुह्य मतलब सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, जो थोड़े से ब्रह्म के बारे में, स्पिरिट के बारे में बताते हैं ना, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं ऐसे। फिर कुछ उपदेश है क्या गुह्यतर, उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, उससे भी ज्यादा सीक्रेट, उससे भी ज्यादा अंदर का समझो, उससे भी ज्यादा थोड़ा सा तात्विक, मार्मिक या आध्यात्मिक उपदेश। फिर कुछ है पर गुह्यतम, कि और ज्यादा गुह्य, और ज्यादा इन्वॉल्व एंड और ज्यादा इवॉल्व, और कुछ है एकदम गुह्य से भी गुह्य, सीक्रेट से भी सीक्रेट पूरा इत्यादि। तो ऐसे अलग-अलग स्तरों में हम देखते हैं उपदेश दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता में, अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग स्तर के लिए। लेकिन भागवत गीता में देखिए बहुत रोमांचकारी संवाद है ये कृष्ण और अर्जुन के बीच, और इसको कई तरीकों से हम समझ सकते हैं। हर एक श्लोक अपने आप में चमत्कारी है पूरा का पूरा। तो भागवत गीता भागवतम चैतन्य चैतामृत का एक सार मैसेज क्या है, विषय विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दूसरे अध्याय का 59 श्लोक का भगवान कहते हैं ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इस परम दृष्ट्वा, इस परम दृष्टि को पाना है हमें, परमता को पाना है, दिव्यता को पाना है। परम मतलब दिव्यता को पाना है हमारे लिए, परम मतलब दिव्यता को लक्ष्य करना, मतलब शाश्वत जीवन, दिव्यता मतलब शाश्वत जीवन, सुखमय जीवन, शाश्वत और कृष्ण की अनुभूति में जीवन, इसको प्राप्त करना है हमें। और ये भागवत गीता में भगवान ऐसे ऐसे ऑफर, ऐसे ऐसे प्रपोजल, ऐसे ऐसे प्रस्ताव, ऐसे ऐसे वचन दे रहे हैं हमें, जो अन्यथा और कोई नहीं दिया है संसार में। आप बता दो ऐसा प्रपोजल कौन डायरेक्ट संवाद किया और दिया, हाँ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, न यत भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, न तद भास्यते सूर्यो, कि ऐसा स्थान है मेरा दिव्य धाम जहाँ ये जो प्राकृतिक सूर्य ना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न शशांक प्राकृतिक चंद्र की आवश्यकता नहीं है। अब संसार में देखिए जो सूर्य चंद्र है इनमें दोष है ना भाई, ग्रहण लगता है इत्यादि, सब कुछ होता है, गड़बड़ होती है ना? तो वहां, और ये प्राकृतिक नहीं है, दिव्य नहीं है। सो न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका, ना कोई अग्नि ऐसी चाहिए। अभी संसार में हमें, हम बिना सूरज के नहीं रह सकते, हम बिना चंद्रमा के नहीं रह सकते, बिना अग्नि वायु इत्यादि नहीं रह सकते ना? और ये संसार इनसे बना हुआ हिसाब से ना? भौतिक प्रदान इत्यादि इन सब से बना हुआ ये संसार, नहीं चल सकता। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरा धाम, मेरा घर ऐसा जहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है ना, स्वचलित, स्व सब कुछ स्वत ही है वहाँ पे,
कॉन्शियस, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, ऑल कॉग्निजेंट, इस हिसाब से। तो न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते। कितना स्पष्ट, सरल, सुंदर भगवान कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, है ना। एक गत्वा मतलब क्या, देखिए शब्द भी संस्कृत के, अब संस्कृत तो हमें आती नहीं है, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, और जिनको तमिल आती है कहते हैं कि संस्कृत तमिल संस्कृत के निकटतम है, उड़िया भी बताते हैं संस्कृत के निकटतम है, जिनको उड़िया भाषा सी आती है, हिंदी भी संस्कृत काफ़ी मेल खाते हैं ना। अब गत्वा, गत्वा शब्द ही अपने आप में ऐसा भाव देता है ना कि जाने का, कुछ पाने का। यद गत्वा तो जो उस भाव में आरूढ़ हो रहा है, जो उस भाव को पा रहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर पतन या गिरना, तद धाम परमम। तो एक बार जो भगवत धाम, भगवान को संग सानिध्य, भगवत भक्ति, भगवत प्रीति, उस एब्सोल्यूट विजन को, एब्सोल्यूट भक्ति को जो पाले, जीवन मुक्त से उच्चते, रूपा गोस्वामी तो कहते हैं इसी जन्म में, इसी पंच भौतिक शरीर में एक बार हमारी वो भगवत प्रीति, प्रेम में प्रीति एब्सोल्यूट स्तर पे हम उसको बना लें, तो फिर पतन नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। अब इस संसार में तो फिर भी प्रपंच से भरा हुआ है, त्रिगुणात्मक जगत है, बहुत प्रकोप है, लेकिन जो एक बार भगवत धाम को पाले, भगवत प्रीति को पाले, भगवान और भगवान का धाम अभिन्न है, भगवान भगवान का नाम अभिन्न है ना, भगवान भगवान के परिकर भी अभिन्न है, तो वहाँ जो उसको पाले, वो वहाँ पे कौन रहते हैं, शुद्ध भक्त या भगवान के परिकर? परिकर रहते हैं बाबा, एसोसिएट्स रहते हैं, कोई जीव या लिविंग एंटिटी नहीं रहती है वहां पे। वहां तो कौन रहते हैं, कृष्ण और या तो उनके सखा या उनके सखी, कृष्ण या तो गोपा या गोपी, और कोई नहीं। तो एक बार यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार कोई उस धाम को, उस दिव्य भाव को पा ले, तो तद न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तो फिर उसका पतन असंभव है, असंभव, स्खलित होना, पतन होना, गिरना वहां से, और जो ऑलरेडी वहां पे उनका तो कहना ही क्या, सहज सी बात है ना, सहज सी बात है भाई, वो लॉक्ड करा हुआ है भैया, ताला लगे हुआ है पूरा, वहां पे पूरा ताला लगा हुआ है। तो एक बार हम उस दिव्यता को पाले, तो फिर पतन का विचार, मतलब त्रिगुणात्मक जगत या संसार में द्वंद्व नहीं है ना वहां पे, तो क्या पतन। ये तो भगवान किनको बोल रहे हैं, हम बद्ध जीवों को, वहां कोई बद्ध जीव है क्या, दिव्य मुक्त जीव है सब, तो पतन का क्या संभव वहां पे। उनको भान ही नहीं है माया बोल के कुछ होता है क्या, और हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें भान ही नहीं है कृष्ण बोल के कुछ होते हैं क्या, तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, बड़ी दयनीय स्थिति है हमारी, लेकिन श्री गुरु के कृपा से इस दयनीय स्थिति को उज्ज्वलता में हम परिवर्तित कर सकते हैं, उन्नत उज्ज्वल रस में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जो महाप्रभु देने आए हैं, और उसी को हमें लेना चाहिए। परम दृष्टवा निवर्तन्ते ना, तो महाप्रभु हमें भी चाहते हैं कि हम उस हाईएस्ट को ही लें, बेस्ट को ही लें, why to settle ourselves anything less than the best, तो उसी को पाए। तो भागवत गीता में कई ऐसा कोई जो ये वचन भगवान दे रहे हैं हमें, अन्य हम कहीं नहीं देखते कि कोई दे रहा हो, ऐसा कोई मैच ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो सार को समझना अति आवश्यक है, और एक बार सार पकड़ में आ जाए ना, तो देखिए फिर सारे श्लोका हमें उसी सार को पुष्ट करने के लिए पढ़ेंगे, और रोमांच उत्पन्न होगा पूरा का पूरा। जैसे भगवान कहते ना, मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया, मयि सर्वम् इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव, है ना, सूत्रे मणिगणा इव, कि मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम्, कि इदं प्रोक्तम्, कि मयि सर्वम्, मैं ही सब जगह हूँ भाई, ओत प्रोत पूरा का पूरा, सभी कुछ मेरे से है, मेरे बिना कुछ नहीं है,
मतलब परतरम नान्यात, मेरे से ऊपर ना मेरे बराबर कोई है, नान्यात किंचित अस्ति धनंजय, एकदम भी इर्द गिर्द भी नहीं है। धनंजय, हे अर्जुन, मैं सर्वम इदम प्रोतम, मैं ही सभी जगह पे हूँ। किस हिसाब से? सूत्रे मणि गनाई हुआ, जिस हिसाब से माला ना पिरोए होते हैं ना एकदम से धागे पे, या मोती पिरोए होते हैं उसी तरह से। तो जो इस संसार की आत्मा हम समझते हैं कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना, संसार की आत्मा, सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, आप और हम और सभी कुछ उन्हीं पे आश्रित है। तो एक बार हम सार पकड़ सकें तो फिर हर श्लोका भागवत गीता का हमें उस सार को पुष्ट करने में, उस परम धाम की ओर, परम भक्ति की ओर, भगवान की ओर एकदम लेके जाएगा। तो भागवत गीता का सार क्या है? देखिए, तीन श्लोका में भागवत गीता के पूरा का पूरा भगवान समझा सकते हैं। ऐसे तो देखिए भागवत गीता एक हिसाब से दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा समझा दिया, फिर तीसरे अध्याय से क्या ना, हम कलयुग के जीव हैं, हमें विस्तार या थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए कि कुछ छूट ना जाए, तो तीसरे अध्याय से विस्तार किया। फिर अंत में आते आते भागवत गीता का स्तर जो है ना वो बदल जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। 54, 18 अध्याय के 54 नंबर श्लोक संख्या से, 54 नंबर से, ऐसे लगता है भगवान का मूड एकदम बदल गया हो, काफी बदल जाता है। और उसमें भी विशेष करके बढ़ते बढ़ते 63 वाले नंबर में देखिए, तो श्लोक संख्या 63 अगर कोई शेयर कर सके स्क्रीन, 18वां अध्याय श्लोक संख्या 63। अब हम सार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसा श्लोक संख्या 63 में कितना सुंदर भगवान अर्जुन को कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्ये तरम मया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्ये तरम मया विमृश्येताद् अशेषेण यत्थ चेसि तथा कुरु। तो भगवान कह रहे हैं ना 63, श्लोक संख्या 63, तो भगवान कह रहे हैं ना कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्य गुह्य तरम मया, कि मेरे द्वारा गुह्य से गुह्य तुम्हें सब कुछ बता दिया अर्जुन, कॉन्फिडेंशियल से कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट से सीक्रेट सब कुछ समझा दिया। किन्हीं के पास अगर हिंदी में भी हो ना भागवत गीता, तो देखिए हिंदी में अगर शेयर कर सकें, और ये नहीं तो इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में हो तो हिंदी में देख सकते हैं। तो ये और ये सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब तुम इस पे चिंतन मनन करो, इसको थोड़ा सा समझ लो, चिंतन मनन करो, और फिर क्या कह रहे हैं, यथा चेसी तथा कुरु। यहाँ पे तो अब देखिए भागवत गीता का तो यहाँ पे पाठ वैसे दूसरे अध्याय में ही हो गया था पूरा, लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान रोक नहीं सकते अपने आप को, नहीं रोक पाते हैं, तो भगवान की कृपा उन्होंने क्या किया, तीसरा चौथा अध्याय तक हमें लेके गया, कहाँ तक, 18वें अध्याय तक लाए। फिर इस 63वें में श्लोका में भागवत गीता के हो जाती है कि भाई अब इसको विराम दिया, कि भगवान ने बता दिया सब कुछ ठीक है, बोल दिया ना अब कि जो तुम्हें जानना है मैंने सब बता दिया, जितना जानना है उससे ज्यादा ही बता दिया समझो एक प्रकार से। अब तुम चिंतन मनन करो और जो तुम्हें जैसा करना कर लो, यथा चेसी तथा करो। तो ये कि जितना तुम्हें समझना है समझा दिया, और अब जैसा तुम्हें करना है कर लो, हाँ छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, या सोच विचार कर लो। ये भी एक बहुत सुंदर बात है कि देखिए, ओके स्क्रीन शेयर कैन बी सीन, हाँ मे बी रिमूव्ड आवर। तो ये भी एक सुंदर बात है देखिए क्या, कि प्रेम की ऐसी चीज़ है ना, प्रेम में फोर्स नहीं होता, फोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, जबरदस्ती नहीं है प्रेम में, प्रेम में जबरदस्ती नहीं चलती है। और एक छोटा प्रश्न है, आप लोग बताइए, देखिए संसार में अगर अनम्यूट करके कह सकें तो देखिए, नहीं तो भी ओके, संसार में
क्या आसान है, धन कमाना या विरक्त रहना? विरक्त मतलब डिटैच्ड, अनासक्त। क्या आसान है, धन कमाना आसान है या धन के मोह से या धन के घमंड से विरक्त रहना, डिटैच्ड रहना? बताइए। बराबर संसार में क्या आसान है, धन कमाना, धन उपार्जन करना, धन कमाना या धन के मोह से, कि मोह मतलब कि धन नहीं है, उस मोह से, उस पीड़ा से, या उस धन से एक घमंड भी आता है ना, उस घमंड से, धन के आवेश से अपने आप को डिटैच रखे रखना, अपने आप को फ्री मुक्त वो रखे रखना, क्या आसान है? धन कमाना आसान है या धन के धन से अनासक्त रहना आसान? धन से अनासक्त रहना तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक कमाना इजी थोड़ा सा इंग्लिश इजी में अगर पूछने का प्रयास करें, अब क्या करें, हमारे भी देखियो कलयुग में सब कुछ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हौचपौच है, हिंदी भी बराबर नहीं है, अंग्रेजी भी इतनी ठीक नहीं है, संस्कृत की तो आती नहीं है ना, तो थोड़ा सा जस्ट इंग्लिश में, व्हाट इज इट इजी इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज इजी इन दिस वर्ल्ड, टू प्रोक्योर वेल्थ, टू अर्न वेल्थ, टू अर्न मनी से, टू गेन वेल्थ, टू बिल्ड वेल्थ, टू क्रिएट वेल्थ, और टू स्टे अवे फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ वेल्थ, टू स्टे डिटैच्ड फ्रॉम वेल्थ, टू स्टे डिटैच्ड फ्रॉम मनी। क्या कहते हैं? धन कमाना धन कमाना आसान है लेकिन कमाना मुश्किल धन कमाना मुश्किल है, लेकिन कंपेयर टू आस क्यों, क्योंकि धन अब हुआ ही नहीं तो आसक्त कैसे होंगे। तो धन कमाना या धन के, थैंक यू, धन कमाना या धन के मोह से अपने आप को छुटाना, कौन सा आसान है? समझे, कोई अभी संसार में सब कुछ रिलेटिव है ना, तो किसी व्यक्ति के पास धन नहीं हो समझो, लेकिन वो मोह तो है ना धन का, कि भाई ये धन नहीं है, धन नहीं है। और कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है जो बोलता है कि हाँ भाई मेरे पास पर्याप्त धन है, अब और नहीं चाहिए? एनीवेज, ये थोड़ा सा सोच सकते हैं, धन कमाना आसान है या धन के मोह से या धन के लोभ से अपने आप को छुटाए रखना? संसार में ज्ञान कमाना आसान है या ज्ञान के घमंड से, ज्ञान के अहंकार से अपने आप को छुटाए रखना या ज्ञान के मोह से? जैसे समझो एजुकेशन ना, पीएचडी पाना, इज इट इजी टू अटेन अ पीएचडी डिग्री देन टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम द ईगो ऑफ हैविंग अ पीएचडी डिग्री? क्या आसान है, कौन सा आसान है? जैसे इज इट इजी टू गेट अ जॉब इन अ मल्टी मिलियनियर कंपनी, टेक कंपनी, इन अ बिग पोजिशन, या टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम दैट ऑब्सेशन कि आई वर्क नेक्स्ट टू द सीईओ? क्या आसान है, किसी सुंदर स्त्री या किसी बुद्धिमान या केपेबल पुरुष से प्रेम में पड़ना? अभी कोई लड़की किसी बहुत ही रिच केपेबल पुरुष के साथ प्रेम में पड़ना, वो आसान है, या उस प्रेम में पड़ते हुए भी डिटैच रहना, वो आसान है, कौन सा आसान है? इस संसार में देखिए, हम सब कुछ कर लेते हैं हाथ पैर मार के, है ना, पढ़ाई कर लेते हैं, जॉब, वी फाइंड प्रमोशन समहाउ, हाथ पैर मार के, बड़ी बड़ी जॉब, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा धन, एंड कोई सुंदर स्त्री से प्रेम में पड़ के उसको उसको है ना, ये कि टू कन्विंस हर, उसको मना लेना कि तुम मेरे से विवाह करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हम साथ में रहते हैं, या स्त्री किसी लड़के को मना सकती है, हा? लेकिन अनासक्त बने रहना, वेरी वेरी डिफिकल्ट, टू बी डिटैच्ड। और देखिए भगवान की महिमा, भगवान की भगवत्ता देखिए, अर्जुन को क्या कह रहे हैं, यथा चेसी तथा करो,
भगवान के पास क्या है क्या नहीं है, धन है ना, भगवान ना सर्वैश्वर्य पूर्ण है, धन वेल्थ और क्या ज्ञान नॉलेज, फिर फेम है ना, संसार में सभी जानते हैं भगवान को, आस्तिक हो या नास्तिक हो, हाँ, फिर और क्या स्ट्रेंथ शक्ति, फिर और क्या ब्यूटी सुंदरता, ये सब है, इन सब के साथ होते हुए भी वैराग्य डिटैचमेंट है ना। अभी संसार में यही प्रश्न है, संसार में सुंदर बनना आसान है या वैरागी रहना आसान है, बताओ। सुंदरता तो है ना, क्या हाय हैंडसम फेयर एंड लवली, ले आओ भाई फेयर एंड लवली, कितने 100 रुपया में मिल जाता होगा, है कि नहीं, बन जाओ हाय हैंडसम फेयर एंड लवली। सुंदरता कमाना आसान है या उस सुंदरता के आवेश, यस आवेश इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, उस सुंदरता के ऑब्सेशन से फ्री रखना अपने आप को, देख लो आप क्या आसान है। इस संसार में धन कमाना आसान है या उस धन के आवेश ऑब्सेशन से अपने आप को फ्री रखना, फिर इस संसार में ज्ञान ज्ञान अर्जित करना आसान है या उस कि आवेश से, दिस आई नो, यू नो आई नो दिस, हाउ कैन आई से आई डोंट नो, और यही 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 सेल्फ ऑब्सेशन, यही क्लेमिंग मेंटेलिटी है, आई एम ब्यूटीफुल आई डिजर्व दिस, द वेरी फैक्ट दैट आई से आई डिजर्व दिस आई डिप्राइव माई सेल्फ, दिस डिजर्विंग मेंटेलिटी इज अ डिप्राइवेशन मेंटेलिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कंप्लीट। ये जो मेंटेलिटी है ना कि मैं डिजर्व करता हूँ भाई, ब्रह्मचारी आश्रम में रहता हूँ मैं, मेरा हक बनता है, आई डिजर्व दिस। और मैंने कई बार हम देखते हैं मंदिर में ही भक्तों के बीच में, मैंने मंदिर में 1 लाख रुपए का दान दिया है, मेरा हक बनता है, पता है ये मंदिर में बिल्डिंग मैंने ही बना के दिया था, इसके लिए चंदा मैंने ही दिया था, आज मंदिर मेरे साथ ऐसे कैसे बोल सकता है, सो मच ना दिस मेंटेलिटी। तो ये भक्ति नहीं है भाई, जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि भाई ऐसा हमारा हो ना कि आवेश, या तो हम कुछ खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करें या करके हमारा अभी भी अभिमान बना रहे कि मैंने अपने सामर्थ्य से किया है सॉर्ट ऑफ। तो भगवान का फिर से हम अपने आप को सार में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, दूसरे अध्याय तक हो गया लेकिन भगवान ने कृपा करके अपने विस्तार करी हमें। अब ये 3 श्लोका जो अभी हम देखेंगे, 63, 65, 66, 64 भी बीच में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो अभी वही धन कमाना आसान है या धन के आवेश से मुक्त रहना, फिर क्या फेमस होना आसान है या उस फेम को पचाना है ना, ये पचाना शब्द देखो, अभी भक्त समाज में भी क्या सुंदर सुंदर स्पीकर्स हैं, कितने एक से गजब स्पीकर्स हैं बाबा, क्या उनका स्ट्रांग अध्ययन है, क्या उनके स्ट्रांग रिसर्च है, क्या उनका स्ट्रांग, कैसा सुंदर वो बोलते हैं, कितना कुछ, और कितने पॉपुलर यूट्यूब फेसबुक मंदिरों में वर्ल्ड वाइड ना कितनी पॉपुलैरिटी है, बट उस पॉपुलैरिटी को पचाना, अरे बाबा सन्यास बन जाना, बन जाते ना सन्यासी, बन के एक सन्यासी का आवेश भी आता है, अब उस आवेश को पचाना आसान है। फेमस होना अलग बात है, अब देखो घर परिवार में भी हम कभी हो जाते हैं ना थोड़ा बहुत फेमस, कोई शादी होके कोई लड़की आई तो 1 हफ्ते के लिए तो 2 हफ्ते के लिए तो फेमस हो जाती है ना ससुराल में, भाई बिननी आई है ना, बहू आई है, अब उस फेम को पचाना आसान है क्या, सब कृपा है भगवान की, ये टेम्पररी करके है ये वो, कि भाई चलो 2 महीने बहू आई है, 2 महीने के बाद चलो ठंडे पड़ गए, नहीं तो कैसे हम पचा सके उस फेम को ना? तो फेमस होना इज दैट वो मुश्किल है या उस फेम को पचाना मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है, फिर ज्ञान धन सुंदरता शक्ति, अभी बॉडी बनाना या इन्फ्लुएंस बनाना, जिम जाके बॉडी बनाना या इन्फ्लुएंस बनाना, वो आसान है या उस इन्फ्लुएंस के आवेश से
अपने आप को फ्री करना। हम देखते हैं ना कितने जाके जिम बॉडी बनाते हैं ये वो, लेकिन वो घमंड में चूर हो जाते हैं। रावण भी देखो, आप सभी देखो कितनी सुंदरता, लेकिन सुंदरता के आवेश में कितना वो चूर हो जाते हैं। तो इसीलिए देखो कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण अति आवश्यक है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं ना कितना सुंदर, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेवा स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न, संपन्न मतलब जो संपन्न हो, जो दोनों से विद्या और विनय है ना, एजुकेशन नॉलेज और ह्यूमिलिटी। बिना विनम्रता के कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बिना विनम्रता के भक्ति नहीं है, वो बराबर संपन्नता नहीं है। हाँ? तो ऐसा नहीं कि सुंदर नहीं हो, सुंदर होना ठीक है, अच्छी बात है, हम सुंदर दिखें, बढ़िया तिलक लगाओ, बढ़िया ड्रेस पहनी हो, अच्छे से ड्रेस पहनी हो, सब कुछ, लेकिन वो सुंदरता भी क्या गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। सारा श्रेय गुरु गौरांग को, ये विनम्रता पाना। तो ये आवेश नहीं रहेगा ना, स्वयं का कोई आवेश नहीं रहे, लेश मात्र भी नहीं, नॉट इवन अ टिंज ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन, उतने का भी स्कोप नहीं है, चिन्ना सा भी, थोड़ा सा भी सेल्फ ऑब्सेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, खुद पे आवेश है ना, एकदम भी उसका स्कोप नहीं है। तो सब कुछ होना आसान है इस सेल्फ ऑब्सेशन से मुक्त होना, इस ऑब्सेशन से, इस आवेश है इसके मुक्त होना। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, आई एम लर्नेड, आई एम पावरफुल, आई एम फेमस, आई एम नॉलेजेबल, इनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है। तो इस संसार में डिटैच हुए रहना बड़ा कठिन है। बाप रे, रूपा गोस्वामी भी कहते हैं ना, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। इस स्थिति में आना है कि सब कुछ भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, है ना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए, हम भी भगवान के, भगवान की सेवा में लगाए। इस भाव को देखिए, हमारे आचार्य श्रील रूपा गोस्वामी कितने सुंदरता से उन्होंने इस भाव मूड को व्यक्त किया भगवान की कृपा को पाने के लिए, कि इन सब आवेशों से उन्होंने अपने आप को मुक्त करा दिया। अब रूपा गोस्वामी कौन, वैसे वो उस समय 550 वर्ष पूर्व, 550 से अधिक वर्ष पूर्व मुस्लिम राजा के, भारत में मुस्लिम राजा के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दोनों भाई हाँ, और बड़े पंडित एकदम, खूब पढ़े लिखे हाँ, और एक्सपर्ट, और काफी नॉलेजेबल, काफी फेमस, सब कुछ, और बहुत बढ़िया भक्त। लेकिन वो क्या कह रहे हैं रूपा गोस्वामी, कोई क्लेमिंग मेंटेलिटी नहीं है क्या, ना प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि माम योगो था वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति माम हीनार्थादि के साध के त्वयि तथा प्रियच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ यतः ते हा मद आश एव माम। सुपर्णो आई थिंक यू नो दिस श्लोका ना, वेदा बेस में भी, इफ यू कैन ब्रिंग दिस श्लोका फ्रॉम वेदा बेस जस्ट अ ट्रांसलेशन और एनी वन शेयर स्क्रीन। ये रूपा गोस्वामी इस भाव को देखे क्या कह रहे हैं, ना प्रेम श्रवण आदि भक्ति रपि माम, कि महाप्रभु मेरे में कोई, आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू, ना प्रेम श्रवण आदि भक्ति रूपी माम, ना मैं आपके बारे में जानता हूँ, ना नॉर एम अ गुड लिसनर, ना मेरी कोई भगवत में रुचि है। ये क्या सुंदर, ना ना प्रेम श्रवण आदि भक्ति रूपी माम, कि ना मेरे में कोई सुनने में, जपने में इत्यादि ना कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है मेरे में, न योगो योगो था वह वैष्णव, ना कोई मेरे को योग की प्रणाली सिद्धि अनिमा लगीमा महिमा ये सब कुछ आता है, नहीं कुछ नहीं आता है, ना कोई मैं बढ़िया कोई साधु सदाचार वैष्णव हूँ,
ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियद हो, ना कोई मेरे में ज्ञान है, ना कोई शुभ कर्म किए मैंने, ना कोई मैं बढ़िया परिवार से आता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। सज्जातिरपि अवस्थिवाम, ना कोई बढ़िया परिवार से आता हूँ। अब देखिए, हीनार्थादिके साधके त्वयि तथा, ये जरूर पता है मेरे को क्या कि मैं हीन अति हीन हूँ, और आप क्या हीनों के आप कृपालु हूँ एकदम से। हीनार्थादिके साधके त्वयि तथा अपि अच्छेद्य मूला सती, आप जो हीन दीन है उनके हारे को हरि नाम ना, मैं हारा हुआ हूँ भगवान, तो आप कृपा करो। और भगवान को कैसे संबोधन कर रहे हैं, हमारा संबोधन भी क्या होना चाहिए भगवान के लिए, यही गोपी जन वल्लभ। कौन है कृष्ण? गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, है ना, मोस्ट डियर फ्रेंड ऑफ गोपीज। हे गोपी जन वल्लभ व्यथा हते, कि मेरी ये पीड़ा, हाहा मद आशा एवं माम, कि कुछ नहीं है और मेरे को ये आशा है कि मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ, एकदम भिखारी, एकदम दयनीय स्थिति है मेरी, कंगालियत पूरी की पूरी, सद्गुणों के नाम पे एकदम कंगालियत है मेरी। और ये जेन्युइनली वो कह रहे हैं, ही इज एक्नोलेजिंग दिस, ही रियलाइज दिस है। और वो कह रहे हैं कि देखो महाप्रभु, आप तो पतित पावन हो और मेरे जैसा पतित कोई मिलेगा नहीं, आपको इतनी दयनीय स्थिति है मेरी, तो मेरे को अवश्य पता है कि आप कृपा जरूर करोगे मेरे, लेकिन ये कब कृपा करोगे, ये यही मेरे को मारे जा रही है, सताई जा रही है, कि आपकी कृपा कब होगी। कृपा होगी, अवश्य होगी, लेकिन कब होगी। तो इस विरक्ति भाव को पाना अति आवश्यक है। देखिए, हमारा कृष्णा भावनामृत में प्रवेश होने के लिए इस भाव को पाना आवश्यक है। अगर हम इस भाव में अपने आप को नहीं ला सके तो कृष्णा भावनामृत में हमारा प्रवेश हुआ नहीं है अभी तक सही से। फिर हम बस कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, किसी न किसी हिसाब से योग मिश्र भक्ति, मिक्स्ड भक्ति कर रहे हैं, है ना, मिले मिलना जुला उस हिसाब से भक्ति, तो उस हिसाब से भक्ति से काम बनना नहीं है हमारा। तो इस भाव को प्रवेश करना अति आवश्यक है। तो भगवान का आप देखिए, भगवान सर्व सामर्थ ना, क्या उनमें कमी है, सब कुछ है, लेकिन होते हुए अर्जुन को क्या कहा उन्होंने, यथा चेसी तथा कुरो, कि अर्जुन अब तुम्हें जैसा करना है कर लो, ठीक है, स्क्रीन शेयर कैन बी सीन, कि तुम्हें अब जैसा करना है वैसा तुम कर लो, हाँ, तुम्हें युद्ध करना है ठीक है, नहीं भी करना है ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। देखो हम कितने एब्सॉर्ब ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि भाई तुम ऐसा करो, कैसे नहीं, भगवान सिखा रहे हैं। कि भगवान ने देखिए 18 अध्याय 62-63वां श्लोक तक अधिकतर भगवान ने बोले ना, भागवत गीता में धृतराष्ट्र जी ने एक ही श्लोक बोला है, संजय ने कितने बोले हैं, 41, चेक कर सकते हैं मेमोरी से सही, संजय ने 41, अर्जुन ने कितने बोले, 70 के आसपास कुछ, टोटल कितने श्लोक हैं भागवत गीता में, 700, कृष्ण ने 580 581 ऐसा स्मरण से आ रहा लग रहा है, ये बोले हैं। तो अब देखिए 18 अध्याय 63वां श्लोक तक भगवान ने 500 से ऊपर श्लोकास बोले हैं इसमें, और अब भगवान कह रहे हैं यथा चेसी तथा कुरु, अब भगवान कह रहे हैं यथा चेसी तथा कुरु, है ना, कि भाई जैसा तुमको करना है तुम कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो तुम कर लो। इतना बोल के भी भगवान एकदम भी अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है कि मैंने ऐसे बोला तुम ऐसा करो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ही सो फ्री, कृष्णा कितने देखो फ्री है, कितना लाइट वेट है ना भगवान, एकदम रिलैक्स, एकदम काम। और ये कोई पुरुष के कोई लक्षण नहीं है, दिव्यता के, भगवान तो दिव्य है बाप रे, कंप्लीटली अनअटैच्ड।
तो आई थिंक आवर कार्तिक हैज पुल्ड आउट सम स्टैट्स सो वी कैन चेक। संजय ने 41 श्लोका कहे हैं, धृतराष्ट्र जी ने एक श्लोका कहे है, कृष्ण ने 581 कहे हैं क्या, 584, 574, ओके आई थॉट इट वॉज इन द रेंज ऑफ 580s बट ओके 574, और रिमेनिंग अर्जुन ने कहे हैं जो कि 84 अर्जुन ने कहे। ठीक है, देखिए संसार में तीन चीजें हैं, एक क्या है, एक जानकारी इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इट हैज इट्स प्लेस, इट हैज इट्स स्कोप डेफिनेटली। दूसरा क्या है, ज्ञान नॉलेज, और तीसरा क्या है, विज्ञान कहो या विजडम है ना। वो तो ये संसार तो प्राय इंफॉर्मेशन के स्तर पे है, सूचना उसके स्तर पे है कि अर्जुन ने कितने बोले, हाँ धृतराष्ट्र ने कितने बोले, संजय ने कितने बोले, कृष्ण ने कितने बोले, कौन से अध्याय का क्या नाम है, ये सब वो सब की कितनी अक्षौणी सेना थी, हाँ कुल मिला के 18 अक्षौणी सेना थी, 7 अक्षौणी पांडववास के पास, 11 अक्षौणी कौरववास की थी, तो ये सारे डिटेल्स कितने दिन तक युद्ध चला, हाँ सॉर्ट ऑफ सूचना के अनुसार, और अच्छी बात है, जरूरी भी है, अच्छी बात भी है, लेकिन हमारा स्तर थोड़ा बढ़े, हाँ सूचना के स्तर से हम बढ़ते हुए हाँ ज्ञान के स्तर पे हैं, और ज्ञान के स्तर से बढ़ते हुए हम वास्तव में प्रेम के स्तर पे हैं, उसको उस भाव पे आए। तो भगवान ने यहाँ पे ये बोल के छोड़ दिया, अब तुम्हारी जैसी मर्जी है तुम कर लो देख लो, मेरे को तो जितना बताना था बता दिया मैंने, लेकिन भगवान का भाव, भगवान का हृदय ऐसा है ना, उनको तृप्ति है ही नहीं भाई। तो अब देखिए 64वां में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वगुह्य तमं भूय श्रीनु मे परमं वच, इष्टोसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, है ना, भागवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट 64, अगर हिंदी में कोई शेयर कर सके तो करिए, नहीं तो इंग्लिश में। सर्वगुह्य तमं भूय कि सर्वगुह्य तमं भूय, जैसे पिछले में भी बताया ना भगवान ने कि मैं तुम्हें गुह्या से भी गुह्य रस वचन बताए हैं, तुम्हें ज्ञान दिया, तो अभी जो कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल है, श्रीनु में परमम वच कि ये सुनो मेरे से, परम वच है ये परम वचन मेरे से सुनो, मैं बोलूंगा तुम्हें, इष्टो श्री में दृढ़म इति, अभी बता रहे हैं क्यों भाई, क्यों बोलोगे तुम मेरे को, क्या क्यों, तुम मेरे को बड़े प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम बड़े प्रिय हो, तुम्हें मेरे प्रति द्वेष नहीं है, तो इसलिए मैं वक्षस्यामि, मैं ये तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे हित के लिए कि अब तुम्हें, तो वास्तव भागवत गीता तो भगवान अब बोल रहे हैं, 64 में बता रहे हैं अर्जुन को कि गुह्य से गुह्य, और ये सुनो तुम मेरे को, और फिर 65 और 66 ये जो है ना ये भगवान बताएं। ठीक है, तो 65 और 66 जो है ना ये भगवान, तो हम गीता की सार पे अगर अपने आप को प्रवेश करें तो कई बार हम देखते हैं कि साधु समाज भक्त समाज में गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, 18.66 ना द मोस्ट पॉपुलर श्लोक इन भागवत गीता, वी अंडरस्टैंड, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, हाँ ये कई बार भक्तों से ऐसा सुनने में पड़ता है कि ये सार है गीता का, हाँ बट सार वास्तव में ये नहीं है, ये हमें सार में प्रवेश कराएगा, हाँ ये हमें सार में प्रवेश कराएगा, जो सार है, जो गीता का फल है भागवत गीता का। अच्छा एक प्रश्न है, सामान्य प्रश्न बताइए, भागवत गीता पढ़ के अध्ययन करके क्या परिणाम होना चाहिए, क्या उसका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग भागवत गीता, व्हाट शुड इट लीड टू अस टू स्टडिंग भागवत गीता। क्या परिणाम होना चाहिए भागवत गीता अध्ययन का, हाँ कार्तिक है,
हाँ नहीं, क्या परिणाम होना चाहिए भागवत गीता अध्ययन करने से? सो कार्तिकेय सेज कि इट शुड हेल्प अस बिल्ड एन अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा। भागवत गीता अध्ययन करने से भगवान से, भगवान पे आसक्ति हमारी बननी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वेरी नाइस। हाँ सुपर्ण। Yeah, I was thinking to inculcate constant remembrance of Krishna. हाँ, भागवत गीता अध्ययन से भगवान का सतत हमारा, उनकी सतत कृपा की अनुभूति, उनकी सतत दिव्यता की, उनकी सतत सुंदरता की, उनकी सतत प्रेरणा की अनुभूति, भगवान की सतत अनुभूति, रिमेम्बरेंस एक्सपीरियंस है, उनका सतत स्मरण चिंतन होना चाहिए। बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहे भागवत गीता के अध्ययन से क्या होना चाहिए? भागवत गीता के अध्ययन से, रीडिंग स्टडिंग भागवत गीता, सहज क्या हम कृष्ण के भक्त बने? सहज ना, ये होना चाहिए। अभी भारत भर में कितनों ने पढ़ा भागवत गीता? करीबन 1 करोड़ जनों ने तो पढ़ी होगी, ज्यादा 5 करोड़, ज्यादा। आई थिंक हमारे कार्तिकेय रिसर्च कर रहे हैं कितने ने पढ़ी है भागवत गीता। 10 करोड़, 50 करोड़, शायद जितने भी पढ़ी होगी, है ना। अब देखिए, पढ़ के अगर हम कृष्ण भक्त ना बन पाए तो फिर हमने सही से पढ़ी नहीं है, फिर हम समझ नहीं पाए। और कृष्ण भक्त तभी बन पाएंगे जब हम भगवान के भक्त के संग में भागवत गीता का अध्ययन करें, श्रवण करें, अन्यथा नहीं बन पाएंगे हम कृष्ण भक्त। तो भागवत गीता पढ़ के उसका फल परिणाम क्या होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने, और फिर भक्त में भी हम कैसे शुद्ध प्रेमी भक्त बने। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अभी भक्त बनने के लिए ना अपने आप को समर्पित करना होगा। गुरु महाराज कहते हैं क्या, डेडिकेशन लीड्स टू डिवोशन। तो अपने आप को डेडिकेट तो करना ही होगा ना, हाँ? अपने आप को समर्पित तो करना होगा। अब इस संसार में बताइए आप, बिना समर्पित हुए किसी को कुछ मिला? किसी ने कुछ नहीं पाया बिना समर्पित हुए। तो हमें अपने आप को समर्पित तो अवश्य करना होगा, लेकिन इस समर्पण का फल क्या है? तो भागवत गीता का सार 1866 तो नहीं बैठता बराबर, अगर सार के हिसाब से ही कहना हो कि वास्तव में सार क्या है। ये सार की ओर हमें जरूर लेके जाता है, दिस इज अनिवार्य है, अपने आप को समर्पित करना। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य मतलब उसका परित्याग करो, छोड़ो ना, क्या सारे धर्मों को। अब कौन से धर्मों को? वेद धर्मों को छोड़ दें क्या? भाई धर्म तो अच्छी बात है, धर्म को कैसे छोड़ दें? अब कई चीजें देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक भाव भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन 18 अध्याय अभी तक इतना मैंने चटर पटर किया तेरे साथ, है ना, कितना चटर पटर कर दिया हम दोनों ने, तो अभी तक जितना भी चटर पटर किया है ना मैंने तेरे साथ, छोड़ दे उसको, भूल जा। बहुत तेरे को लगता है मैंने कंफ्यूज कर दिया अर्जुन, हो सकता है ना भाई, कितने कृपालु दयालु है भगवान कि भाई हो सकता है अर्जुन मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया हो, बहुत घुमा फिरा के कितना कुछ बोला, बाप रे क्या कर्म योग, इतने इतने योग समझा दिए, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, फिर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये सब वो सब, क्या नहीं विश्व रूप दिखाया, बहुत कुछ हो गया होगा ना एक ऑल ऑफ अ, तो छोड़ जा तू, भूल जा एकदम, एक काम कर जो अभी तक बोला भूल जा, बस तू मेरी शरणागति ले बस। हाँ, अब क्या भगवान की शरणागति केवल पापों से छुटकारा के लिए है क्या? भगवान तो बोल रहे ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, इसका फल क्या है कि हम क्या पापों से छूट जाएं? ये हमारा फल है क्या? हमारा भक्ति करने का ये प्रयोजन है कि पाप से हम छूट जाएं, कष्ट नहीं आए? और यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं ना कि पापों से छूट जाएं, पाप मतलब पुण्य से भी छुटा देंगे, हाँ, लेकिन क्या हमारी भक्ति का प्रयोजन यही है कि हम पाप और पुण्य से छूट जाएं? पाप तो बांधते हैं, सहज समझ में आता है, पुण्य भी बांधता ही है। तो इन पाप और पुण्यों से हम छूट जाएं, इनकी प्रवृत्ति से, इनके आवेश से छूट जाएं, क्या यही प्रयोजन है? इससे इतना काफी है क्या हमारे लिए शुद्ध भक्त बनने के लिए? नहीं ना, इनसे छूट के हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, ना ना। तो फिर कौन से धर्मों को भगवान छोड़ने की बात कर रहे हैं?
हमारे नित धर्म नित कर्तव्य इत्यादि, ना ना वास्तव में, या उनको छोड़ने से भी क्या, वास्तव में सर्व धर्मान परित्यज्य महामेकम शरण भजा। भगवान जो सर्व धर्मान में वास्तव में हमें कह रहे हैं ना, कपट धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कपट मतलब क्या, चीटिंग, इस छल कपट इसको छोड़ो। फिर सर्व धर्मान मतलब छल कपट किन माध्यम से करा जाता है व्यक्ति, अनेकों माध्यम से ना, कैसे, बोलने में, वाणी में छल कपट हो, है ना, झूठ बोलना और छल कपट करना वाणी से, फिर क्या शरीर से भी छल कपट करते हैं, है कि नहीं, फिर और छल कपट कहाँ वास करता है, मन में, सूक्ष्म में ना, फिर इंद्रियों में, इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर निकलता है, मन में, हमारी वाणी में, हमारी इच्छा में, है ना, छल कपट है इतना कृष्ण का इतना मेरा, ये डीलिंग है ना ये सब। तो इस छल कपट के को त्याग दे अर्जुन। तो वास्तव में ये अगर भागवत गीता का सार में हमें प्रवेश पाना है ना, सार पकड़ना हमें, तो ये छल कपट को छोड़ना अनिवार्य है, वही रास्ता है। हमारे और भगवान के बीच में क्या पर्दा है, अज्ञान का या कपट का, ये प्रश्न है। हाँ, भगवान के और हमारे बीच में क्या पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है या कपट का पर्दा है, कपट छल का पर्दा है, अज्ञान का नहीं। अब हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो देखिए, अब भक्ति में आके सहज प्रभुपाद जी की कृपा से हम चार नियमों का पालन करते हैं, 16 मालाओं का नाम जप करते हैं, है ना, तो चार नियमों का पालन करने से हम अज्ञान से छूटते हैं, है ना। तो अब संसार में हम ग्रॉस स्तर पे अज्ञान में जीवन नहीं बिताते। बाकी जिन्होंने अभी तक भक्ति में प्रवेश नहीं पाया, या जिनकी भक्ति में श्रद्धा परिपक्व नहीं हुई है, या पकी नहीं है, बनी नहीं है, वो अज्ञान में रहते हैं। जैसे हमें इतना तो बोध है ना, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, अनुभव भले नहीं हुआ हो, बट थ्योरिटिकली तो हम अपने आप को मानते ना, समझते हैं ना, एटलीस्ट एटलीस्ट वी एक्नॉलेज ना, कम से कम कि शरीर, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो ये ज्ञान हो, इतना समझना, ये ज्ञान के स्तर पे हम आ जाते हैं। लेकिन संसार में कौन इस हिसाब से इतना भी जानता है या रहता है करता है, तो वो अज्ञान। तो औरों के लिए भगवान और उनके बीच में जो गैप है, जो दूरी है, जो पर्दा है, वो अज्ञान का है। बराबर हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा है वो क्या है, अज्ञान का नहीं, वो कपट का। तो भगवान कह रहे हैं इस कपट को छोड़, ये बिना कपट छूटे हम शुद्ध प्रेमा भक्ति में प्रवेश नहीं पा पाएंगे, असंभव है। तो भागवतम में भी हम देखते हैं ना, शुरू के 3 श्लोका में क्या, इस कपट को झाड़ू मार के बाहर निकालो, इस चौ कपट को। और ये महाप्रभु की शिक्षा है, महाप्रभु पतित पावन है, जैसा श्रील गौर गोविंद महाराज जी अपनी सुंदर लेखनी और अपने दिव्य वाणी से हमें समझाते ना, महाप्रभु पतित पावन है, श्रील प्रभुपाद पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। जो कपटी है उसको आप, उसको भाई, उसको कपट ना व्यक्ति ज्ञान में करता है, अज्ञान में नहीं करता। चीटिंग हमेशा ज्ञान में ही करी जाती है, अज्ञान में नहीं करी जाती। तो कोई जानिया सुनिया विषय खाई नो, है ना, अब ऑफेंस भी ज्ञान में ही करे जाते हैं, तो ये ज्ञान में करी जाने वाले ऑफेंस बड़े घातक होते हैं। अज्ञान में भी ऑफेंस हो जाते हैं, जाने अनजाने में, उसकी उसकी फिर भी उसके लिए कंसेशन है, डिस्काउंट है। ईशोपनिषद में हम देखते हैं ना, एक साधक प्रार्थना कर सकता है, करनी चाहिए, कि भगवान आज के दिन में, अभी तक आज के दिन में मैंने कुछ भी भक्ति करी हो, हाँ, उसको आप भक्ति में ले लीजिए, नहीं भी करी हो, सोया उठा, कृपा करके उसको स्वीकार किए, और जो गए जाने अनजाने में गलती करी है उसको क्षमा करिए। तो जो चीटिंग है वो व्यक्ति ज्ञान में ही करता है, ज्ञान के स्तर पे, अज्ञान के स्तर पे चीटिंग नहीं करता है, हाँ। लेकिन तो अब ये कोई जान पूछ के गलती करे तो भगवान उस पर कैसे कृपा करे, बताओ बाबा, जान पूछ के, इसीलिए प्रेम थोपा नहीं जाता। कोई जान पूछ के भक्त नहीं बनना चाहे, भगवान से प्रेम नहीं करना चाहे, भगवान अपने आप को कभी थोपेंगे नहीं, इम्पोज नहीं करेंगे।
प्रेरणा जरूर देंगे, सब कुछ करेंगे, अंदर से प्रेरणा दे रहे। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्तिम, उद्धव महाराज जी को कहते हैं ना, ने वो पयंती अपचितम कवयस्तवेशा, यो अंतर बहिस्तनुभृतम अशुभम विदुन्वन। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्तिम, तो अंतर और बहिष् में एकदम हमें शुद्ध करा रहे हैं, परमात्मा रूप से अंतर से। नैवोपयन्ति अपचितम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम रीड मूढ़ स्मरंतम, चाहे कि कितने दयालु कितने कृपालु हैं भगवान। यो अंतर बहिस्तनुभृतम अशुभम विदुन्वन, अंदर से और बाहर से सब अशुभों से जो भी बाधाएं उनसे हमें मुक्त करा रहे हैं भगवान। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्तिम, है ना, तो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान, और बाहर में भी क्या आचार्य रूप में भगवान आते हैं, श्री गुरु रूप में, और हमें शुद्ध प्रेमा भक्ति में प्रवेश कराने के लिए। तो इस कपट का ही पर्दा और इस कपट को निकाल के फेंकना है। अगर ये कपट निकल के नहीं फेंकेगा तो फिर हम भागवत गीता का सार नहीं समझ पाएंगे, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभी तक के लिए कोई प्रश्न जिज्ञासा है, आप लोग कुछ कहना चाहें? कपट क्या होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि कपट की क्या परिभाषा या कपट क्या होता है ना। जहां पे भी कपट, वास्तव में कपट क्या है, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ ऑब्सेशन, दैट इज आई मी एंड माइंड मी ओवर कृष्णा। जहां पे भी हम थोड़ा सा भी होशियार अपने आप को बनाए, दैट इज कपट। भगवान ने अर्जुन का क्या बोला, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि भाई तू इंस्ट्रूमेंट बन जा, होशियार मत बन ना, तू केवल इंस्ट्रूमेंट बन जा। और जहां पे भी हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन के कुछ भी बने, वो कपट है। कपट के अलग अलग स्थान है, अलग अलग स्तर है ना, मन बुद्धि इंद्रियों में शरीर इच्छा। तो जहां पे भी ऐसा लगे ना, अब हम साधक है ना, तो हम पे स्पॉटलाइट ज्यादा है। देखो अब ये देखो, ये ना बोलते ना, ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत गंभीर है ये मनुष्य जीवन, हाँ, बड़ा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ जीवन है ये। ह्यूमन लाइफ से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल लाइफ कौन सी है, भक्त लाइफ, डिवोटी लाइफ, हाईली रेस्पॉन्सिबल, ट्रूली हेविली रेस्पॉन्सिबल, हेविली अकाउंटेबल एज वेल। तो कपट क्या कि थोड़ा सा भी हमें ये आवेश भाव आ जाए ना, आई नो आई एम बेटर, आई डिड दिस आई डू दिस, तो वो सेल्फ ऑब्सेशन, देन फिर कृष्णा कैन नॉट हैव अस, ही कैन नॉट यूज अस, नो, देन वी आर नॉट सरेंडर्ड। कहीं ना कहीं हम फंसे हुए अपने आप में, कहीं ना कहीं हम पे हमारा एक सेल्फ ऑब्सेशन है कि यस हम भी कुछ कम नहीं है, हम किसी से, चलो हम ऐसे नहीं हैं लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, हम भी कोई गए बीते नहीं है। तो कपट मतलब क्या, जैसे हम देखें ना रूपा गोस्वामी, न प्रेम श्रवण आदि भक्ति रपि माम, उनका कोई क्लेमिंग मेंटेलिटी नहीं है, हल्का सा क्लेमिंग मेंटेलिटी वो कपट है। एकदम आयोटा चिन्ना सा भी, एकदम नैनो क्लेमिंग मेंटेलिटी कि ओ आई नो भागवत गीता, यू नो आई डिड दिस आई डिड दिस। अब भक्तों समाज में न धनम न जनम न सुंदरम, लेकिन हल्का सा भी रहे ना हमें कि धन की ओर आकर्षण आवेश, जन की ओर, फॉलोअरशिप की ओर, सुंदरी की ओर आवेश आकर्षण रहे, तो वो फिर कपटी हो जाएगा कि भाई भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान कह रहे हैं देख अभी इसकी तृष्णा नहीं मिटी, अभी इसको है थोड़ा सा। और ये क्या है, इच्छा अंदर की बात है ना, इच्छा अंदर में सेल्फ ऑब्सेशन है, वो कैसे बाहर प्रकट होता है, धन के रूप में, स्त्री को पाने के रूप में, है ना, मान प्रतिष्ठा को पाने के रूप में, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, क्या फॉल्स प्रेस्टीज इज फॉल्सली प्रेस्टीजियस, है कि संसारी मान प्रतिष्ठा कुकुरे विष्टा, कुकुर का, कुत्ते का मल मूत्र है ये संसारी मान नाम प्रतिष्ठा ये सब। तो हल्का सा भी इसके प्रति हमारा कहीं
कहीं पे भी क्लेमिंग मेंटेलिटी आ गई ना, वो कपट ही है। और इसमें हम अपने आप को जांच सकते हैं, इसमें हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे में कितना क्लेमिंग मेंटेलिटी है, कितना ये है, तो भगवान नहीं ले पाएंगे। जैसे हम देख रहे थे रामचरितमानस में कितना सुंदर लिखा है ना, क्या मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जनमन सो मोहे पावा। तो छल कपट छिद्र छेद भरे हुए भगवान को नहीं चाहिए होता, नहीं हम समझ में आता हाँ। और हमारी चेतना में अनेकों छेद है, इनकी भरपाई कैसे होगी? श्री गुरु के चरणों में जब हम अपने आप को रखेंगे, न्योछावर करेंगे, तभी भरपाई होगी। तब देखिए, अब ये छल कपट से हम छूटेंगे तो फिर रामचरितमानस में क्या उक्ति आती है, तो वही पाएंगे। फिर साधक क्या बोलता है, ये हमारी सबकी विनती होनी चाहिए। अब मोहि कृपा करो एहि भाति, निस्दिन भजन करो दिन राति। अब ठाकुर जी आप इतनी कृपा करें कि दिन रात आप ही का स्मरण चिंतन गायन हो। श्रीला श्रीधर स्वामी जी भी हमें समझाते हैं ना, क्या स्मरणम चरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम यथा कथांचित निरिहरे मम भूयाद अहर्निशम, कि आपका स्मरण चिंतन प्रेम पूर्वक, युगल सरकार का हाँ स्मरण चिंतन प्रेम पूर्वक हो, ये बहुत कठिन है, प्रैक्टिकली असंभव है। हाँ, द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू रिमेंबर द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, टू मेडिटेट एंड व्हाट टू थिंक ऑफ आवर सेल्स इन दोस पास्ट टाइम्स ना, व्हाट टू थिंक ऑफ आवर ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी, आवर ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट, आवर ट्रांसेंडेंटल रूप एंड स्वरूप, आवर ट्रांसेंडेंटल सेवा, बहुत कठिन है ये। लेकिन अब किसी न किसी तरह से आप कृपा करें कि ये दिन रात मेरी मानस पटल में, मेरे स्मरण चिंतन में ये दिन रात आए, तो जहाँ पे भी ये नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है और उसको हम एंटरटेन कर रहे हैं, वो कपट है। जहाँ पे भी सेल्फ ड्रिवन, कपट चीटिंग इज सेल्फ ड्रिवन, अज्ञान नीड नॉट बी सेल्फ ड्रिवन। कॉन्शियसली कॉन्शियसली इग्नोरेंस इज चीटिंग, व्हेन वी कॉन्शियसली पुट आवर सेल्फ इन इग्नोरेंस, दैट इज चीटिंग। जहाँ पे हमारा आवेश रहता है, हमारा एक इनिशिएटिव रहता है, और इसमें फिर से हम अपने आप को देख सकते हैं साधु समाज में, घर परिवार में। देखिए अब हम भक्ति कर रहे हैं और हम देख सकते हैं नाम जप करते हुए भी जहाँ पे भी ऐसा कुछ भाव और आते रहे ना स्पॉटलाइट वाले। अब भागवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, है ना, कि भाई कोई कितना ही अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारो नहीं, खूब दुराचारी हो, खूब बदमाश हो एक प्रकार से समझे, भले ही अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो मेरे को अनन्य भाव से भज रहा है, तो उसको साधु ही समझो। तो अब किसी साधु किसी साधक से हाँ वो बड़ा ही दुराचारी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान का अनन्य भजन में प्रवेश पा रहा है, इच्छा उत्पन्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसको हम दुराचारी नहीं, उसको साधु ही समझें। तो ये बड़ी स्पॉटलाइट पूरी हमारे ऊपर ही है। प्रभुपाद जी के पास अनेकों उनके शिष्य गए, अनेकों बार गए कंप्लेन लेते हुए, लेकिन कोई भी कंप्लेन को प्रभुपाद ने इस हिसाब से स्वीकार नहीं किया कि हाँ हाँ भाई तुम सही हो, मैं उसको डांटूंगा उस हिसाब से ना। प्रभुपाद हमेशा उन्हीं को समझा देते थे, है ना। तो इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज ऑलवेज ऑन अस। अनुजा कुछ कह रहे हो क्या? प्रभु, आई हैड अ क्वेश्चन। बोलिए। आप अभी कपटी और के बारे में बता रहे थे, या इग्नोरेंस के बारे में, नोइंगली स्टेइंग इग्नोरेंस। आई हैड अ क्वेश्चन कि अबाउट द वैष्णव एटिकेट और समथिंग लाइक, इफ समबडी इज नॉट पर्पसली पुटिंग एफर्ट इन लर्निंग दोस थिंग्स एंड want to stay out of those things, like
not wanna gain more knowledge or know more about it, then is it like consciously if somebody is doing and not developing that knowledge and then acting because that person doesn't have that knowledge and acting because the person acting as is kind of without any knowledge, so might be committing many mistakes knowingly, unknowingly. तो ये प्रश्न है क्या? हाँ, तो क्या होता है इसमें लाइक कितना जानना चाहिए कितना समझ बिकॉज देर इज टू मच टू लर्न. क्या कैसे होना चाहिए? तो ये प्रश्न है क्या? यस प्रभु. हमारी रति पूरी अजात है. अजात मतलब अनबोर्न, एकदम भी नहीं है ना, कोई अटैचमेंट नहीं है इत्यादि. हम साधु संग कर रहे हैं, ये खूब कृपा है हम पे. हम तो ऐसा नहीं है कि हम अज्ञानी भी है और हम चीट भी हैं. अज्ञान भी है और कपट भी है हमें, है अलग अलग स्तर पे है. लेकिन हम साधु संग कर रहे हैं तो ये ही हमारा एक संबल है. और इसमें गुरुपाद आश्रय पाना, साधु संग का फल प्रयोजन क्या है? गुरु पादाश्रय की ओर अपने आप को प्रेरित करना. और गुरु पादाश्रय का फल क्या है? शुद्ध भक्ति को पाना, कृष्ण प्रेम को पाना. तो व्हाट इज सो शॉकिंग ना बाबा, वी आर नॉट यूज टू लिविंग अ सेंटली लाइफ. क्या इसमें शॉक की बात है? और अब हम अपने आप को ढाल रहे हैं ना. भक्ति मतलब क्या? अपने आप को ढालना, मोल्ड करना अपना जीवन शुरू के स्टेजेस में इत्यादि. तो अपने आप को अच्छे संग में रख के हम अपने आप को ढाल सकते हैं, ढाल रहे हैं. और फिर अभी अगेन वी आर नॉट आफ्टर गेनिंग सर्टिफिकेट्स या स्कॉलरशिप की ओ मेरे को जानना आता नहीं है, आता नहीं है. अरे भाव को पकड़ना है ना. तो पूरा तो ये है कि गुरु पादाश्रय उसको पाए हम, और श्री गुरु को किस भाव में देखें, यही सफलता है भक्ति की. ना कि कितने श्लोकाज आते हैं, कितने क्लासेस दिए हैं, क्या किए हैं, वो सब भगवान वो सब नहीं देखते बाबा. ये दीज ऑल आर एक्सटर्नल्स और कैन बिकम एक्सटर्नल्स. रियल डील क्या है कि हमारे वैष्णवों के प्रति हमारा क्या भाव है, उनको हम किस लाइट में देखते हैं. श्री गुरु को विशेष करके, श्री गुरु कौन है? वैष्णवों में परम वैष्णव है, वैष्णव शिरोमणि है श्री गुरु. तो श्री गुरु को हम किस लाइट में देखते हैं? तो जितने मात्रा में हम श्री गुरु को, जिस मात्रा में हम श्री गुरु को ना कृष्ण रूप में देखें, कृष्ण स्वरूप में देखें कि यस भगवान कौन है, कृष्ण के आविर्भाव है हमारे लिए. फिर भगवान कौन है? राधा रानी के आविर्भाव है हमारे लिए. और फिर कौन है भगवान? राधा, श्री गुरु कौन है? राधा रानी के प्रिय किंकरी है. तो इस भाव में जितना हम अपने आप को प्रशस्त बनाएंगे, उतनी मात्रा में हम सेल्फ ऑब्सेशन और चीटिंग से फ्री होंगे. और जितना हम नहीं बना पा रहे हैं, तो ये तो है, वी आर स्टक इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इग्नोरेंस एंड इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ चीटिंग. लेकिन इसमें इतनी उत्तेजित होने वाली भी बात नहीं है. आई मीन क्या शौक है ना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बाबा. एंड अगर हम अपने आप को इतना ही वो कर रहे हैं कि भाई व्हाई एम आई नॉट लाइक दैट या हाउ डू आई, तो वह टेक दिस ना, नो स्ट्रगल नो जॉय. तो भी आगे हम बढ़ते चले, और आएगा एक दिन, जरूर आएगा जब हमारी भी रति उत्पन्न होगी, हम भी अटैच्ड होंगे. और ये समर्पण के भाव से, तो यही भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, हम अपने आप को समर्पित करें. बिना समर्पण करे कैसे होगा? संसार में कुछ होता है क्या बिना समर्पित किए? देखो स्कूल जाए बिना कैसे एजुकेशन मिल जाती है? मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है. कुकिंग क्लासेस सीखे देखे जाने बिना इत्यादि कैसे हो जाता है कुकिंग? समर्पित करने से ही होगा ना. तो हम अपने आप को समर्पित करें, और समर्पित करेंगे तो हम भी कपट से छूटेंगे. क्यों समर्पित होंगे? तो कृष्ण प्रेम के छींटे पड़ेंगे हम पे, और वो आत्मा की पुकार है ना. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम में साध्य कबून है श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरे उदय. तो वो हमारे आत्मा का ही हक है कृष्ण प्रेम. तो वो छींटे पड़ेंगे तो छल कपट से हम सब छूटेंगे. फिर डज दिस समवट आंसर योर क्वेश्चन?
प्रभु। तो साधु संघ में हम अपने आप को अच्छे संघ में रखें और सत्संग में अपने आप को हम ढालें, ढालते हुए चलें। और हम देख सकते हैं ना भाई, पहले हम क्या थे, अभी क्या है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ होगा। तो दिस इज, इससे हमारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, कितनी हमारी फेथ बढ़नी चाहिए ना। और जब हम, अब आप, हम सब में से किसी ने सोचा था क्या कि हम तिलक लगाएंगे किसी दिन, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, किसी ने भी हमने सोचा था क्या? भले ही कितना ही बढ़िया हमारा सुपर्ण हो, लेकिन पता नहीं उसने भी शायद सोचा था क्या कि एक दिन मैं, हमें नाम जप करवो, किसी ने ऐसा सोचा था क्या भाई? लेकिन आज हम सब करते हैं ना नाम जप, भक्तों के संग में हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और आनंद भी पा रहे हैं। तो जब बिना सोचे अहेतु की कृपा हुई, साधु संग मिला, और आज हम जो है, हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर बढ़े चले ना आगे। ये भी एक प्रकार का सेल्फ ऑब्सेशन हो जाएगा, आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम नॉट प्योर, आई एम नॉट प्योर, आई एम नॉट प्योर। ओ है? एक बताऊं आपको, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज सेल्फ ऑब्सेशन, ये डिप्रेशन। आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम नॉट दिस। प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट मोस्ट ऑफ नथिंग, यू आर द वेरी वेल मोस्ट सर, ऑफ, वेरी वेल सर, आई रियली लाइक इट। कि प्रभुपाद आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, या प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन, यू आर द मोस्ट ऑफ नथिंग। भाई तुमको एक हिसाब से बताऊं ना, भागवत गीता में भगवान ये सर्वधर्मान परित्यज्य, में थोड़ा संसारी भाषा में कहूं, अर्जुन को क्या करें, देख अर्जुन तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे को तू कुछ नहीं है, समझ ले, अपनी औकात में रह, अपनी औकात में आ जा। तेरी औकात क्या है? मेरे चरणों पे ही है, तो अपने आप को मेरे चरणों में डाल दे, है ना तेरी। अब संसार में ऐसा हम किसी को बोले, लगता है अरे बाप रे कितना धौम जमा रहा है ना, क्या समझता है अपने आप को, सारे तू मेरे पैरों पे है, तेरे को अपने पैरों नीचे मैं दबा दूंगा, कुचल दूंगा, इस हिसाब से ना। तो इस संसार में तो ये संसारी भाषा में बड़ा ही अभद्र लगता है कि देखो इनमें कितना ईगो है। लेकिन भागवत गीता में भगवान यही अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, देख लल्लू लाल तू आ जा मेरी शरण में, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा, यही भी कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि अपनी औकात समझ और अपनी औकात में रह। हमारी औकात क्या है? भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा, और उसमें आए हम, और हम नहीं है इसमें क्या शॉकिंग है। तो वास्तव में अब ये प्रश्न देखिए आप, हम भक्ति, हम भक्त नहीं है, है? ये शॉकिंग है, या हम भक्त हैं ये शॉकिंग है? क्या शॉक, शॉक को क्या आश्चर्य, क्या अचंभित होना चाहिए हमें कि बाप रे मैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से कर रही हूं और भक्त नहीं बनी हूं, ये अचंभा होना चाहिए हमें, या 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कर रही हूं और मैं भक्त बन गई, क्या अचंभा होना चाहिए? वट इज सो शॉकिंग इफ वी आर नॉट अ डिवोटी, बाप रे क्या बड़ी बात है बाबा। शॉक तो तब हो जाएगा ना कि हम भक्ति करते हुए भी कपट नहीं कर रहे हैं, बाप रे ये शॉकिंग होगा कि मैं भक्ति करते हुए कपट नहीं कर रही हूं, हैवी, भक्ति करते हुए मैं कपट कर रही हूं, क्या बड़ी बात है भाई। तो यही सर्वधर्मान परित्यज्य। तो आज तो अब हम नहीं कर पाएंगे, कल प्रवेश करने का पक्का प्रयास करेंगे गीता के सार पे, लेकिन सार मतलब क्या, रस, रस मतलब सार, रस में ही सार है, उसमें प्रवेश पाने के लिए शरणागति तो लेनी पड़ेगी, अनिवार्य है। इसके ये द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, संसार में भी बिना शरणागत हुए किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, है ना। तो ये प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार से हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो ये तो भगवान कह रहे हैं, दिस इज द क्वालिफिकेशन, दिस इज द प्री रिक्विजिट, दिस इज द क्राइटेरिया, लेकिन जो फल है इसका वही सार है, वो हम कल समझने का प्रयास करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आपके धैर्य पूर्वक श्रवण संग और उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? जितनी जल्दी हम समझेंगे ना कि हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर गए हैं, सब कुछ आ गया समझ में, ये उतनी जल्दी हम कृष्णा भावनामृत को हल्का भी बना देंगे। तो रोमांच बना रहे ना भाई, कुछ ना कुछ कौतूहल रखो ना, कुछ रोमांच। ऐसा ही क्या कि भैया 4 दिन में अगर समझो, हाँ भाई 4 दिन में हम चाहते हैं कि भाई ये इन कष्टों से हम छूट जाएं। और भाई मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों, वो है ना, बॉलीवुड से बहुत कुछ है सीखने को, देखो है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों हूँ, क्यों हूँ, क्या जो भी हो क्या करना, मैं ऐसा क्यों हूँ, अजीब पूरा ना। अब ये मैं ऐसा क्यों हूँ, ये कीड़ा है हम में, ये भयंकर बड़ा रोग है, बुखार है सेल्फ ऑब्सेशन का। तो जितनी मात्रा में हम सेल्फ ऑब्सेस रहेंगे, हम कहाँ भगवान की ब्यूटी को देख पाएंगे बताओ। तो इस सेल्फ ऑब्सेशन से अपने आप को पूरा फ्री करना है, इसीलिए अपने आप को न्योछावर कर दो, जैसा भी हो ना न्योछावर कर दो। वी आर नॉट प्योर एंड वी कैन नेवर बी प्योर इनफ टू अटेन कृष्णा। ये बताओ एक, आप कोई भगवान को, हम ऐसा कभी दिन आ सकता है क्या कि मैं पूरा शुद्ध हो गया हूँ भगवान, अब ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि भगवान अब मैं पूरा शुद्ध हो गया हूं। भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान तो कह रहे हैं बेटा तू जैसा है आ जा। लुक, कृष्णा इज ओनली आस्किंग अस टू एक्नोलेज दैट वी आर नॉट प्योर, बस तू इतना स्वीकार कर ले और आ जा। लेकिन हमारे में कीड़ा क्या, मैं ऐसा क्यों हूं भगवान, लेकिन मैं क्यों, अरे भगवान कह रहे हैं छोड़ देना भाई, तू जैसा भी है तू आ जाना, नहीं, मैं ऐसा क्यों। इमेजिन, जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, इमेजिन हम रास्ते में गिर गए, कीचड़ में कहीं पे गिर गए, बारिश में हमारे कपड़े खराब हो गए समझो। अब हम घर पे आ गए और टिंग टोंग बजा दी, घंटी बजा दी हमने, ठीक है, दरवाजा खुला है, खोल दिया मम्मी। अब मम्मी को हम बोल रहे कि मम्मी देखो मेरी ड्रेस पूरी खराब हो गई, बारिश आ गया, पानी गिर गया, कीचड़ गिर गया, हाँ इस हिसाब से मैं बहुत गंदी हूँ। अब मम्मी बोल रही है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसी हो आ जाओ तुम अंदर आ जाओ। नहीं, मम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं अपने इसी गंदे कपड़ों में घर पे कैसे आऊंगी रूम पे। अरे बेटा तो ठीक है तू आ जाओ ना, आई डोंट माइंड, ठीक है बाहर बारिश गिरा, ये हुआ कीचड़ पड़ा, आई डोंट माइंड, आई एम हैप्पी टू हैव यू एज यू आर। नहीं, मैं पहले कुछ करूंगी, रुको मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, अरे आ जाओ बाबा, नो नो नो। सो दिस इज द थिंग, वी आर नॉट प्योर, वी आर कैन नॉट बी प्योर इनफ, बट भगवान कह रहे हैं बस तुम इसको एक्नोलेज कर लो इतना। अगर ऐसा हम साबित कर देना कि भगवान अब मैं प्योर इनफ हो गया हूं, तो फिर क्या ना वही क्लेमिंग मेंटेलिटी आ जाएगी कि भगवान अब मैं ना नाम जप कर लिया, मैंने पूरी मंगल आरती अटेंड कर ली है, मैंने पूरा ये कर लिया और अब मैं प्योर इनफ हो गया ना, तो ये क्लेमिंग मेंटेलिटी खा जाएगी। तो कॉन्ट्रास्ट बना रहे ये बहुत जरूरी है, सब कुछ देखिए ना कृपा है भगवान की, फिर ये भी कृपा ही है भगवान की, हम बद्ध हैं, ये कृपा है भगवान की ना? तो ये कॉन्ट्रास्ट, और जब हम सांस से छोड़ें, अभी भी छोड़ ही रहे हैं ना, लेकिन उसमें इस भगवान का स्मरण बना रहे हैं, भगवान की सुंदरता, भगवान की दिव्यता और भगवान का सेपरेशन, कि आप कहाँ मैं कहाँ, गॉड टू सी ग्रेट, आई एम नो मैच फॉर यू, इतना ही बोलना भगवान को, यही भगवान बोल रहे हैं। देख लो फिर से बॉलीवुड कितना हमें सिखाता समझाता ना, गॉड टू सी ग्रेट हो, है कि नहीं, इतना ही बोलना भगवान को, गॉड टू सी ग्रेट हो, आई एम नो मैच फॉर यू। भगवान कहेंगे यस यू हैव गॉट इट एंड आई हैव नो प्रॉब्लम ऑल्सो विद दिस, हमारे प्रॉब्लम, गॉड टू सी ग्रेट हो के आई अंडरस्टैंड, बट आई एम नो मैच फॉर यू, टू सी ग्रेट हो बट आई एम नो मैच फॉर यू भगवान। तो इसमें भगवान देखते हैं अरे भाई तू तू मेरी दिव्यता तो पहचान रहा है, लेकिन साथ ही साथ तेरे में ये कीड़ा भी लगता है कि भाई वाई आई एम नॉट लाइक यू, वाई आई एम नॉट लाइक यू, है ना, इतना बोल के छोड़ दो भाई, गॉड टू सी ग्रेट हो बट एंड गॉड टू सी ग्रेट हो, टेक दिस एज अ प्रेयर से, गॉड टू सी ग्रेट हो एंड आई हैव रियलाइज्ड आई एम नो मैच फॉर यू एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड आई कैन नेवर बी अ मैच फॉर यू, बट और येट आई डेस्परेटली वॉन्ट यू, आई डेफिनेटली एंड डेस्परेटली वॉन्ट यू, आई डेफिनेटली एंड डेस्परेटली लव टू हैव यू, आई कैनॉट लिव विदाउट यू।
नाउ काइंडली एक्सेप्ट मी, बस यही इतना ही कहना है, काइंडली एक्सेप्ट मी। तो यही भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य लल्लू लाल, अपनी औकात समझ, अपनी औकात में आ जा, और फिर देखो, फिर अब भगवान हमें सार समझा के रसदार सार में लेके जाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करेगा समय सीमा, और हम कल पक्का ही प्रयास करेंगे सार में प्रवेश पाने का, सार में प्रवेश पाके उस सार में डूब जाने का, एकदम से डूबेंगे वो जितना उतना ही उभरना है इसमें। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण।